सोनभद्र के साउडी गांव की सैकड़ों महिलाओं ने अपनी समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पर उपस्थित तमाम अधिकारी व कर्मचारी को हाथ में गुलाब का फूल दिया, जिससे सभी अचंभित हो गए। इसी दौरान महिलाओं ने उपजिलाधिकारी रामचंद्र यादव से मिलकर उन्हें भी फूल देते हुए एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि साहब, यह पूरा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य व गरीब क्षेत्र है। यहाँ का स्वास्थ्य हम दुद्धी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर ना तो चिकित्सक है और ना ही कोई आधुनिक जांच करने की मशीनें, जिससे हम सभी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं इससे काफी पीड़ित हैं, जिनकी जांच के अभाव में मौत होती जा रही है। यही नहीं, यहाँ के लगभग 70 से 80 किलोमीटर चलकर जिला मुख्यालय जाती हैं और प्राइवेट में अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाती हैं, जिससे समय व धन दोनों खर्च होता है। गरीब लोग कहाँ से इतना धन खर्च कर पाएंगे। कम से कम दुद्धी अस्पताल में डिजिटल एक्सरे मशीन अल्ट्रासाउंड की सुविधा सुलभ करा दीजिए, जिससे क्षेत्र के लोगों को राहत मिल सके। युवा समाज सेवी दिलीप की अगुवाई में क्षेत्र के विभिन्न गाँव से आए सैकड़ों महिलाओं ने SDM को ज्ञापन दिया। आज जो आप लोग यहाँ तहसील परिसर में आई थी और गांधीवादी तरीके से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, अपने मांगों को मांगने के लिए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, क्या मामला है? ऐसा सर, हमारे यहाँ देखिए जो गर्भवती महिला जो होती हैं उनको जो परेशानी बढ़ता है, तो देखिए बहुत दूर जाना पड़ता है और हमारे यहाँ हम सोच रहे हैं ये जिला के सामने ये यहाँ अस्पताल और अल्ट्रासाउंड जो है मशीन। और पानी होने की क्या सुविधा है? पानी के लिए देखिए हमारे यहाँ पानी भी बहुत जो है आयरन है, हम सोचते हैं कि एक हमारे यहाँ RO मशीन लग जाती तो बहुत अच्छा होता मेरा ये। आपने फूल सौंपा, क्या मसला है जी? हमारा पूरा मतलब ये है कि गांव के दलित आदिवासी एक ऐसा तबका है जिसे बस बेवकूफ बनाया जाता है। मुद्दे की बात आज तक कभी की नहीं गई। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? जातिवाद नहीं है, धर्म नहीं है, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है काम की चीजें, बुनियादी चीजें। जैसे अच्छे दुद्धी अस्पताल में देख लीजिए, अल्ट्रासाउंड मशीन की सुविधा नहीं है। यहाँ का डॉक्टर जब किसी गर्भवती महिला को रेफर करता है जिला अस्पताल 70 किलोमीटर जाने के लिए, सोचिए वो गर्भवती महिला कैसे दूर जाती है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। और अगर प्राइवेट में जाती है तो उसका 700-800 रुपये खर्च होता है, वो पैसा कैसे देती है ये तो वही जानती है। तो मैं चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि हमारे जितने लोग हैं इस दुद्धी वासी भारत के लोग जो है सही मुद्दे की बात करें, शिक्षा और चिकित्सा इस